गाड़ी में गाने लगा के डांस कर रहे हैं, पुलिस वालों ने आके हमें डंडे मारे हैं, आप चौदह अगस्त के लिए नाच क्यों रहे हो? आज जो स्टैंडर्ड बताया जा रहा है स्टूडेंट्स का एजुकेशन का, वो इतना ही घटिया गलीज है। हम डर के मारे अपने हक के लिए बोल नहीं सकते हैं। आई नो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट एंड हाउ टू से अ रॉन्ग थिंग रॉन्ग एंड अ राइट थिंग राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गुजर रहे हैं क्योंकि उनके पीओ का पैसा ना जो रोड के ऊपर लगाते हैं। इवन के मैंने जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और चार साल मैंने वो वाली लैंग्वेज नहीं पढ़ी है जिसमें मैं अभी कोडिंग कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आपने ये कंट्रीब्यूट किया है, तो वो कह लेंगे ना होने के मुतरादी भी होगा। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा नहीं आई थोड़ा सियासी बयान हो जाएगा, मैं ये पाकिस्तान छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। डिजिटल नाजिन आज एक ऐसे सवाल के साथ हाजिर हुए हैं जो सवाल सबको परेशान करता है। सब चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान की सूरत हाल सही हो जाए। लेकिन आज हम लोग नौजवानों से जानेंगे कि इस सूरत हाल को बेहतर करने में वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं और आखिर अब तक उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। जानते हैं आवाम से, मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? आमना। मैम क्या आप चाहती हैं कि पाकिस्तान के हालात सही हो जाए? डेफिनेटली यस। आपकी इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैं अपने मुल्क के लिए डॉलर कमा रही हूँ। डॉलर कमा रही है? हाउ? एज अ यूट्यूबर। एज अ यूट्यूबर आपको लगता है उस डॉलर की बेस में आप सही से कंट्रीब्यूट कर? देखेंगे अब। हाँ ऑब्वियसली, अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल हम लोग इस चीज़ के बारे में बात भी करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई नो व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट एंड हाउ टू से अ रॉन्ग थिंग रॉन्ग एंड अ राइट थिंग राइट एंड हाउ टू यू नो डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू। प्लस ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो नो दैट हाउ आई कैन एजुकेट माई नेशन एंड माई पीपल एंड ऑल्सो आई मेक अ वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन बट स्टिल आई डू कि मैं लोगों को बता सकूँ कि हमारा मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है एंड आवर कंट्री नीड्स अस। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जी इस वक्त जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं इसका सोल्यूशन आप क्या देखती हैं, हमें किस चीज़ की नीड है? हमें आवाम की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, बिकॉज एज़ पर आई थिंक एंड एज़ पर आई माई नॉलेज हमारी 64% पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स है, यूथ हैं, एंड दे आर अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर वो लोग ये समझ जाएँ कि हम लोगों ने एक चेंज लाना है, हम लोगों ने अपनी इंस्टेड ऑफ दिस पॉलिटिकल बुलशिट जो कि ये लोग कर रहे हैं और ये लोग जो मतलब कभी किसी एक पार्टी की तरफ कभी किसी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, अपने अंदर चेंज लेके आना शुरू कर दें और थोड़ा सा अपने आप को डिग्रीज़ वाली साइड पे नहीं बल्कि मेंटली एजुकेट करना शुरू कर दें, तो आई थिंक वाली आई थिंक वी कैन मेक अ बिग बिग डिफरेंस। शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। सर क्या नाम है आपका? मुस्तहसिन नवाज। अच्छा सर, बड़ा ही मुश्किल सा नाम है आपका। इसी तरह से हमारे मुल्क के हालात भी बड़े मुश्किल से चल रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि इस हालात जो है वो बेहतर हो जाए हमारे मुल्क के? ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी तो हर बंदा चाहता है। इसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, बाहर से जो है ना वो डॉलर लेके आ रहे हैं जिस हद तक कोशिश हो सकती है। मैं भी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना वो हम जो है ना वो अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए जो है ना वो बाहर दुनिया को सेल आउट करते हैं और उससे जो है ना वो पेमेंट जितनी भी आती है इन डॉलर्स जो है ना वो पाकिस्तान में आती है। मतलब ये क्या रेमिटेंस पाकिस्तान में बैठ कर दे रहे हैं? हाँ कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपकी काविश कामयाब हो रही है? फ्रीलांसिंग जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो बढ़ी थी पाकिस्तान में, बट उसके ऊपर भी जो है ना वो टैक्सेशन और दूसरा ये है कि करेंसी की डीवैल्यूएशन और उसकी भी जो है ना वो सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो ना होने की वजह से काफ़ी सारे जो है ना वो इश्यूज आते हैं, और दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है उनकी जो है ना वो पाकिस्तान के साथ। सो जो परमानेंट क्लाइंट्स होते हैं वही आपको जो है ना वो ऑर्डर देते हैं, इवन के हम कम कीमत जो है ना वो कोट करते हैं देन भी जो है ना वो इश्यूज़ आते हैं। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि इसके अलावा आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते? मुझे लगता है कि जब तक जो है ना वो इंडिविजुअली जो है ना वो हम जितना मर्जी करने की कोशिश कर ले, जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है ना वो उस हद तक नहीं होंगी तब तक जो है ना वो हम कभी भी जो है ना वो नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है जब आपका एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो इस हद तक जो है ना वो लोअर हो कि उनके स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा कम हो। इवन के मैंने जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और चार साल मैंने वो वाली लैंग्वेज नहीं पढ़ी है जिसमें मैं अभी कोडिंग कर रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी हैं ना वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं ना वो बेसिकली फील्ड से होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे होता है कि बस थ्योरेटिकली जो है ना वो पढ़ाया जाता है, दैट्स ऑल। ज़बरदस्त हो गया। आप क्या पैगाम देते हैं इस बारे में आवाम को, देखने वाले नाज़रीन को, कि हम जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मज़ीद मतलब हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं? बेसिकली देखें कि करंट सिचुएशन को जानना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अभी जो है ना वो किन हालात में और हमारी कंट्री जो है ना वो हमारे फेलियर्स जो है ना वो किस वजह से हैं,
और उसके बाद रियलाइज़ करते हुए अपना जो है ना वो बींग अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो है ना वो हमें डेमोक्रेसी को इन अ ट्रू स्पिरिट जो है ना वो यूज़ करना चाहिए ताकि हम जो है ना वो वाले लोगों को जो है ना वो लेके आ सकें। वो नहीं है कि आप एक MP है अगर उसने 10 करोड़ खर्चना है तो उसने कहीं ना कहीं से तो बनाना है ना, कोई भी वो तो नहीं हो सकता कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं रिटर्न ही चाह रहा। जब हम उनके पैसे इतने लगवा लेते हैं और दूसरा ये है कि हम इन फजूल चीज़ों पे बैनर्स पे और इस चीज़ों पे जो है ना वो खर्च कर लेते हैं, सो ऑब्वियसली बात है कि हमें जो है ना वो उन्होंने रिटर्न लेना है, और उन्होंने रिटर्न लेना है तो वो कमीशन की शक्ल में ही लेना है और पॉलिसीज़ बनानी है तो उस सूरत में ही बनानी है। सो ऑब्वियसली अगर डेमोक्रेसी को हम ट्रू स्पिरिट जो है ना वो यूज़ करें तो ऑब्वियसली हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आपने पैगाम दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैम क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा सिद्रा, एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या आप चाहती हैं कि पाकिस्तान के हालात सही हो जाए? कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। सब चाहते हैं, आप भी चाहती हैं। एग्जैक्टली, बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमारी पहली प्रेफरेंस यही है कि पाकिस्तान के हालात जितनी जल्दी हो सके उतने बेहतर हों, बेहतर हो जाए। इसमें आपने अभी तक क्या कंट्रीब्यूशन किया, आपका क्या इसमें किरदार रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपने आप को कहते ना कि आपने ये कंट्रीब्यूट किया है तो वो कह लें कि ना होने के मुतरदिफ ही होगा। जैसे कि आप कह लें कि आपने 12 साल स्कूल में गुजारे, 2 साल आगे जाके आपने इंटर किया, फिर उसके बाद आपने 16 ईयर्स की मजीद एजुकेशन कम्प्लीट की, फिर ऊपर से फिर कह लें कि 2 साल और पढ़ लिया कि चले डबल मास्टर करके पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं। मतलब जितनी आपने पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल की है ना, उसके ख्याल में आपको लग रहा होगा कि आपने बड़ा अच्छा एक अहम किरदार अदा किया है, लेकिन एजुकेशन हासिल करने के बाद अहम किरदार ऐड तो कर दिया, लेकिन हुकूमत की वजह से वो किरदार उस लेवल तक नहीं जा पाया जिस लेवल तक आप पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि आप ये देखेंगे, तालीम फ़र्ज़ बनता है हमारा हासिल करना, क्योंकि जितने आपके मुल्क के बाशिंदे एजुकेटेड होंगे आपके मुल्क की वर्थ पता चलेगी। अब एजुकेशन तो हासिल करके मैंने अपने मुल्क की वर्थ बढ़ाई, लेकिन आगे से हुक्मरानों ने इस वर्थ को बहुत डाउन किया। तो इसके मुतरदिफ अगर देखा जाए तो 50-50 कॉन्ट्रीब्यूट किया एज ए यूथ अगर मैं बात करूँ तो। मतलब आप कहती हैं कि हम बचपन से यही सोचते हैं जब हम थोड़ा होश संभालते हैं कि जी हम पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे अपने मुल्क का नाम रोशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद जब हमारी तालीम मुकम्मल होती है तो वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पीछे रह जाती। बिल्कुल, बात ये है कि देखिए लैक करें इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा, हमने एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि एजुकेशन 50% इंक्लूड करती है आपके मुल्क को सुधारने में। 50% कह लें कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी विल इंक्लूड हो रही होती है। अब हमारी गवर्नमेंट तो विल चाह रही है कि जी एजुकेशन भी कैसी दी जा रही है। चलो, हमने जो हम कहते हैं कि हमारे दौर की पढ़ाई अच्छी थी, जैसे हमारे माँ बाप कहते कि उनके दौर की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन आज जो स्टैंडर्ड बताया जा रहा है स्टूडेंट्स का एजुकेशन का वो इतना घटिया गलीज़ है, उनको रिबोर्ट्स बनाया जा रहा है। तो वो 50% भी गया, गया। आप इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं, आखिर हम लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं कि जिसके हमें अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिले? देखिए, कॉन्ट्रीब्यूट इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि हम एक कहते हैं कि इस्लामी जमहूरी मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी यहाँ पर बहुत वाजह तौर पर नुमायाँ तौर पर नज़र आती है, लेकिन है नहीं। बस एक नाम लगाया हुआ है हमने अपने इस्लामिक रिपब्लिक के साथ, दैट वी आर डेमोक्रेटिक स्टेट। अब हम कहते हैं कि जी हमने कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, हम कैसे करेंगे जब तक हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी? कंट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, अब हुकूमत आए हमें फैसिलिटेट करे, हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, हमेशा की तरह हम सारा मलबा हुकूमत पे फेंकेंगे? नहीं, हुकूमत पे नहीं फेंकेंगे। देखिए, हम पढ़ चुके हैं, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब मलबा हुकूमत पे आधा फेंका जाएगा। कैसे फेंका जाएगा? क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान के लिए पढ़ना, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना। हमने अपने आप को कह लेंगे एक बाशऊर नौजवान बनाया है, वो बना दिया है हमने, लेकिन अब प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म दूसरे मुल्क में मिल रहा है। क्या करोगी? 50% यहाँ से लिया, 50% वहाँ पे जाके पूरा कर रही हो। अब जब हुकूमत 50% हमने अपना वादा पूरा किया है, हम बींग एजुकेटेड पाकिस्तानी हम कहते हैं कि ठीक है हम पाकिस्तानी हैं, हम एजुकेटेड हैं, एजुकेशन पूरी की है, लेकिन अब जो 50% है, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। अब मैं कहूँ ऐसे ताली बज रही है तो ये तो अच्छी नहीं बजेगी, अब ऐसे बजनी चाहिए। अब मेरा 50% कम्प्लीट है, अब 50% हुकूमत दे ना, प्लेटफॉर्म दे, नौजवान बार रोज़गार, पता नहीं अजीब से एक टाइटल लिखा हुआ है वो लोन स्कीम के ऊपर, कौन रोज़गार हासिल कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, वो 2000% भी आप चांस इंक्लूड नहीं कर रहे उसके अंदर। तो बेसिक बात ये होती है कि जब यूथ आपको सपोर्ट कर रही है, यूथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही है, तो आपका फ़र्ज़ बन रहा है। जैसे इंडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं आपको, आप खुद देखें उनकी यूथ ये नहीं कहती, वहाँ पर एक बच्चा प्राइमरी में है उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया। अब हुकूमत ने 50% चांस अपना यहाँ पे पूरा कर दिया, अब वो उस बच्चे पे डिपेंड करे कि वो अपना 50% कैसे पूरा करेगा, चांस को जो है वो कैसे अपने काम से कैसे ग्रूम करेगा उसको अपने आप में। अब यहाँ पर हम 15-16-17 साल एजुकेशन PhD भी कर लेते हैं, लेकिन स्टिल हुकूमत खामोश रहती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम वलीद है। अच्छा वलीद, अगर बात की जाए पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की, तो क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए, सही हो जाए? यार, हर बंदा ही चाहता है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाए, पर हम फिलहाल मजबूर होके बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ बोलेंगे तो घर से उठाए जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो घर बैठे बैठे भूख से मर जाएंगे। आप भी चाहते हैं कि सही हो जाए, लेकिन मैं ये सवाल करूँगी नेक्स्ट के, इसमें आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है?
यार मेरी कंट्रीब्यूशन ये है, मैं अपनी जो भी यूट्यूब से अर्निंग करता हूँ उसमें से गवर्नमेंट पहले अपना टैक्स काटती है फिर मुझे पैसे देती है। मैं यहाँ पे टैक्स देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एक सिगरेट भी बाय करता हूँ उसके ऊपर भी टैक्स है, अगर मैं नाश्ता लेने जाता हूँ उसके ऊपर भी टैक्स है। एक एक रुपए का हमसे टैक्स ले रहे हैं और हमें ही अवाम को डरा के बैठाया हुआ है। हम अपने हक के लिए निकल नहीं सकते हैं, हम डर के मारे अपने हक के लिए बोल नहीं सकते हैं, हम अपने आर्मी को सलूट करते हैं यही बोलते बोलते हमारी लाइक हम दुनिया से चले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी 14 अगस्त की बात है, मैं रोड के ऊपर खड़ा हुआ था तो प्रोटोकॉल गुजरना था, मुझे ट्रैफिक वार्डन ने कहा 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, 5 मिनट कहते कहते आधा घंटा पूरी आवाम को इन्होंने जेल रोड के ऊपर खड़ा कर ही रखा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गुजर रहे हैं क्योंकि उनके पियो का पैसा ना जो रोड के ऊपर लगाते हैं और अवाम को अपनी मर्जी से गुजारते हैं। यार अवाम का पैसा है, अवाम को ही रोकते हो, अवाम को ही पिस रहे हो। अवाम 292 रुपये का पेट्रोल डलवा रही है, अवाम ही इतनी महंगाई का गुजारा कर रही है। तो लाइक कहते हैं ना कि जो मुल्क के मालिक हैं वो गुलाम बने हुए हैं, जो गुलाम हैं जो जॉब कर रहे हैं वो हमारे ऊपर जाके सदर लगे हुए हैं। लाइक मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं तो ये अनाउंस करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था अगर इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा नहीं आई थोड़ा सियासी बयान हो जाएगा, मैं ये पाकिस्तान छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट भी कुछ दिनों तक बनवाने जाना है। सोल्यूशन नजर आता है? हाँ मुझे यही सोल्यूशन नज़र आता है, हम थक गए हैं यार, हमने अपनी सारा बचपन से लेकर जवानी तक सारा मुल्क अंधेरे में देखा है, इंडिया वाले हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, गरीब मुल्क फलाना ढमकाना, वो हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार नहीं है। किस लिए तैयार नहीं, कहता हमारी बराबरी पे आओ फिर हम जंग करेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में थर्ड जनरेशन वार होनी है उसके लिए बराबरी ज़रूरी है, वो अगर हमारे साथ जंग करेंगे उनका नुकसान होगा। बांग्लादेश जैसा मुल्क हमारा मजाक बना रहा है, जो हम कहते थे कि बंदा टके के बराबर नहीं है, अब हम टके के बराबर नहीं है। अफगानिस्तान जो 30 साल जंग में रहा वो हमारा मजाक बना रहा है, तो हम किस खेत की मूलियाँ यार। लाइक हम पाकिस्तानी के लिए डूम भरने का मुकाम है कि हम खुद को पाकिस्तानी पर मुश्किलात होती है, वहाँ पर कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण जरूर जो है वो नजर आती है, तो इस वक्त आपके लिए उम्मीद की किरण फिलहाल जेल में बैठी हुई है। अच्छा। हमारे इमरान खान साहब हमारी आखिरी उम्मीद है, उन्हीं के सर पे है, अल्लाह ना करे अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे, ठीक है वो जेल में बैठा हुआ है। आप देखें मैं बींग पाकिस्तानी इमरान खान का सपोर्टर, मैं रात को जाके एसी में सोता हूँ, इमरान खान पिछले पे एक हफ्ते से एसी के बगैर जेल के अंदर सो रहा है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सो रहा, मेरे लिए सो रहा है। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया कि हमारा जो लीडर है हमारे लिए मेहनत कर रहा है, हम रात को एसी में सो रहे हैं वो जेल में सो रहा है, वो दाल रोटी खा रहे हैं हम यहाँ पर मियाशियाँ कर रहे हैं, हम घूम फिर रहे हैं, क्या ज़रूरत है यार। हम जागें एक तरह से कौम बन के जागें यार, हम मुसलमान सबसे पहले हम अगर मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते सोचे कि हम किस जगह पे आए खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया हमें जलील कर रही है बींगा मुस्लिम। हम पहले दुनिया में एक अमन का गहवारा था यार, किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर कोई मसला आता था वो पाकिस्तान की तरफ देखता था, अब हमारी मदद कौन करने आ रहा है, कोई भी नहीं, हमने सब ने छोड़ दिया है, हम चाइना के मकरूज़ हैं, हम IMF के मकरूज़ हैं, हम दुबई के मकरूज़ हैं, आधा मुल्क हमारा लोन पर चला गया हुआ है, $1 बिलियन हमारे रिज़र्व हैं, सारा दुनिया हमारा तमाशा देख रही है और हम बैठ के यहाँ पे फिर भी कह रहे हैं यार ये पार्टी जिंदाबाद वो पार्टी जिंदाबाद। जब हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो जैसे हम सारी ज़िंदगी गुलाम रहे हैं, जैसे अब 14 अगस्त में एक ट्रेंड चला था हम पाकिस्तानी अभी तक आज़ाद नहीं हुए, मेरा भी यही मानना है हम फिजिकली तौर पर आज़ाद है, हम मेंटली अभी भी गुलाम हैं, हम अपने हक के लिए बोल नहीं सकते, हम दुनिया को बता नहीं सकते। 3 अगस्त पर ही दफ़ा 144 लगा दी यार, लगा हुआ था दफ़ा 144 लगा हुआ था, मेरे पास कुछ अपने मोबाइल में वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम वहाँ पे 14 अगस्त के लिए गाड़ी में गाने लगा के डांस कर रहे हैं, पुलिस वालों ने आके हमें डंडे मारे हैं, आप 14 अगस्त के लिए नाच क्यों रहे हो। हम अपने मुल्क की इतनी सी खुशी नहीं रही यार, क्या खुशियाँ रह गई हैं पाकिस्तान में, सिर्फ लाइक क्या करें यार, बंदा बस जज्बाती बंदा हो जाता है, गुस्से में आना कुछ ऐसे अल्फाज बंदा नहीं बोल सकता, तमाशा बना के रखा हुआ है हमारे सियासतदानों ने, हमारे पाकिस्तान का अपना उनका ये बिजनेस है। वो मैंने एक डायलॉग सुना था कि पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान एक कब्रस्तान है, जो भी बहुत बड़ा अमीर बंदा है सारी ज़िंदगी बाहर गुजारता है मरने के लिए, अपनी कब्र खुदवाने के लिए पाकिस्तान आ जाता है, वाकई में पाकिस्तान एक कब्रस्तान बन चुका हुआ है। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का, जीतो नाजीन इनसे गुफ्तगू की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।